हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडे ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 13, द नेम इज DBMS। तो इससे पहले हमने फाइल सिस्टम पढ़ा था, और फाइल सिस्टम में हमने देखा कि भी जो फाइल होती हैं वो किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में उनको स्टोर किया जाता है, और किस तरीके से उनको रिट्रैवल किया जाता है, क्या क्या उनके अंदर ड्रॉबैक थे फाइल सिस्टम के, और क्या क्या उनके बेनिफिट्स थे। अब जो फाइल सिस्टम के अंदर ड्रॉबैक थे, वो ड्रॉबैक हमने जो DBMS है, उन DBMS के अंदर सारे जो फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक थे वो रिमूव हो गए। तो DBMS इज़ ए बेस्ट ऐप फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। तो स्टार्ट करते हैं DBMS। टॉपिक अपना DBMS, यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। तो डेटा क्या होता है स्टूडेंट? डेटा के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जो डेटा की जो प्रॉपर डेफिनेशंस है वो है फैक्ट फिगर्स स्टेटिक्स एक्सेट्रा हैविंग नो पर्टिकुलर मीनिंग। यानी ऐसे फैक्ट, ऐसे फिगर्स जिनकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होती, वो होते हैं अपने डेटा। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर एक नंबर लिखा मैंने, दैट इज 50, दिस इज ए नंबर, बट इनका कोई एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 50। अब ये बन गई इंफॉर्मेशन, और इससे पहले क्या था? ये डेटा था। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब हम डेटा के बाद में बात करते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है स्टूडेंट? कि जो डेटाबेस है वो है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और डेटा फाइल्स और रिलेटेड, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, डेटाबेस कॉल्ड डेटाबेस, एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड डेटाबेस। यानी बहुत इन लार्ज में डेटा है, उनका सारे डेटा को कलेक्शन करके हम एक जगह स्टोर करते हैं, वो होता है डेटा बेस। ठीक है, अब डेटा बेस के बाद में करते हैं मैनेजमेंट, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की। यानी कि तो डेटा बेस कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और डेटा फाइल्स रिलेशंस डेटा बेस, दिस कलेक्शन ऑफ डेटा इज इंटर रिलेटेड, सो इट कैन ए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन एक्सेस यूजिंग सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट अपना मैनेजमेंट सिस्टम की, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो देखिए मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ए मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सेट ऑफ रूल्स। मैनेजमेंट क्या है? सेट ऑफ रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स है जिनका सेट और of rules and procedure which help us to create, organize and manipulate the database। यानी ऐसे rules बनाए गए हैं जिसमें data को collect करना, उनको create करना, organize करना, manipulate करना, वो सारा manage किया जाता है, और ये सारा एक सिस्टम के अंतर्गत होता है, सिस्टम के दौरान किया जाता है। तो ये हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। DBMS इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो यानी कि DBMS क्या है? एक कलेक्शन है किसका? इंटर रिलेटेड डेटा का, जो कि आपस में संबंध, जो डेटा होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, उनका एक कलेक्शन है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा, और उनके लिए एक प्रोग्राम का सेट है। क्या DBMS क्या है? एक प्रोग्राम का सेट है जिसमें डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। DBMS के क्या गोल हैं, उनके लक्ष्य क्या क्या हैं? देखिए सबसे पहला जो गोल है वो मेन गोल, यानी जो मुख्य इसका गोल है वो क्या है? ऑफ एनी DBMS, कोई भी DBMS का जो गोल होता है वो क्या है? इज टू मैनेज लार्ज बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन।
यानी कि जो अपने पास जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है अपने पास, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स अपने पास, उनका जो लार्ज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है उनका मैनेज करना ही क्या कहलाता है, जो क्या कौन करेगा मैनेज करना, किसको करना पड़ता है, डीबीएमएस को। तो मैनेज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डीबीएमएस का। तो दूसरा इसका गोल है प्रोवाइड्स कन्वेंट वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, यानी कि जो स्टोर करना इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डेटाबेस के अंदर, उसको कन्वेंट करना, ये ऐसे अपने जो प्रोवाइड करवाती है, ऐसी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाई जाती है डीबीएमएस के द्वारा। और नेक्स्ट जो डीबीएमएस का गोल है, इफिशियंट रीट्रैवल। रीट्रैवल मतलब जब इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर कर दिया और उस डेटाबेस के अंदर, इन डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, उसको हमें वापस लेके आना है, वापस प्राप्त करना है, रिट्राइवल करना है, तो वो डीबीएमएस से संभव हो पाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनटू स्टोर डेटाबेस। जो डेटाबेस हमने स्टोर कर दिए हैं उनकी सेफ्टी उपलब्ध करवाना और सिक्योरिटी भी डीबीएमएस का गोल है। इसके साथ में अवॉइडिंग द एनोमलीज ड्यूरिंग सिमुलेटेनियस एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाई मैनी यूजर। इसके साथ में देखिए क्या है, अवॉइडिंग द एनोमलीज। एनोमलाइज मतलब क्या होता है, जो एक जैसे डेटा होते हैं, डुप्लीकेसी होती है, रिडंडेंसी होती है, उनको एनोमलीज बोलते हैं, उनको रिमूव करना, उनको अवॉइड करना, ठीक है। तो उसके साथ में कंस्ट्रेंट का यूज होता है, जिससे हम इन एनोमलीज को दूर कर सकते हैं। तो ये सारे थे इनके गोल डीबीएमएस के। इसके साथ में, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ और जो डीबीएमएस के बारे में, डीबीएमएस के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इनके फायदे हैं, डीबीएमएस का यूज करके किस तरीके से अपने जो डेटा है वो सिक्योर रहेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बुक ओपन कर लेता हूँ और उससे हम पढ़ेंगे। देखिए तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो डीबीएमएस है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा। यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, कलेक्शन है किसका, इंटररिलेटेड डेटा का, और ए सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसमें हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये इसके गोल हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला टॉपिक है अपना एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस है, डीबीएमएस के क्या क्या लाभ हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, सबसे पहले जो फाइल सिस्टम के पढ़ा था हमने, फाइल सिस्टम के बाद में हम बात करेंगे डीबीएमएस की, जो फाइल सिस्टम के अंदर जो भी ड्रॉबैक थे वो यहाँ पर ड्रॉबैक नहीं है और वो उसके बेनिफिट्स हो चुके हैं डीबीएमएस के। और कन्वेंशनल द फाइल सिस्टम डीबीएमएस हाउ हैज मैनी एडवांटेज, यानी अगर फाइल सिस्टम के बाद में हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो उसके कई एडवांटेज हैं। तो कौन कौन से एडवांटेज हैं, देखिए डीबीएमएस मोर यूजफुल मैनी एप्लीकेशन प्रूविंग द एडवेंचर डीबीएमएस। सबसे पहले रिमूविंग द डेटा रिडंडेंसी डुप्लीकेसी, अगर हम डीबीएमएस का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर हमें ये फायदा हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी डेटा कि डुप्लीकेसी यानी कि रेडंडेंसी हमें नहीं मिलेगी। यानी कि इफ सेम इंफॉर्मेशन, यदि कोई सेम इंफॉर्मेशन हम उसको रिपीट कर रहे हैं यानी कि स्टोर कर रहे हैं तो वो पहले ही हमें इंडिकेट कर देगा। दूसरा है शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को हम शेयर कर सकते हैं मल्टी यूजर के साथ में, जैसे कि अपने पास में एक कोई ऐप है, कोई डेटा है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू, एक ही कंप्यूटर के अंदर है तो वो कई यूजर उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन की वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट है, एक वेबसाइट बना देते हैं और उसके बाद में उसको कई जने शेयर, कई यूजर्स उनको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है
सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह रख कर उनके ऊपर कुछ ऐसी प्रतिबंध लगाना, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट का यूज़ करना जिनसे उनको हम रेस्ट्रिकेट बना देते हैं, जो रेस्ट्रिकेट बनाने के बाद में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो रिमूव हो जाएंगी। देखिए, वी कैन मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी बाय स्पेसिफिक इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट का यूज़ करके डेटा को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। उन डेटा पर कुछ रूल्स और कुछ रेस्ट्रिकेशंस का को हम अप्लाई कर देंगे। जैसे कि कोई रिकॉर्ड लेते हैं कि कोई रोल नंबर का एक कॉलम है, मान लेते हैं ये एक कॉलम बनाया यहाँ पे, और इस कॉलम में मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा 1, 2, 3 और फिर 1। देखो रोल नंबर रिपीट हो रहा है, बट इस कॉलम पे कुछ रेस्ट्रिकेशन लगा देंगे कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेस नहीं करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 इनपुट करूँगा तो ये एरर दे देगा। तो इस प्रकार के कुछ कॉन्स्टेंट का हम यूज़ करेंगे जिससे डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहेगी अपने पास, ठीक है। तो गलत डेटा कभी भी इसके अंदर इनपुट नहीं हो पाएगा, ये सुविधा इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट है डेटा इंडिपेंडेंसी, यानी कि इसमें जो डेटा होते हैं वो डेटा इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि डेटा ये नहीं कि भाई एक ही ऐप में चलेंगे, वो किसी भी मशीन पर ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट चल सकता है, लैपटॉप में भी चल सकता है, मोबाइल में भी चल सकता है, डेस्कटॉप में भी चल सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। ये नहीं कि अगर जैसे एक सॉन्ग है तो वो सॉन्ग किसी भी मोबाइल में और किसी भी कंप्यूटर में प्ले हो सकता है, वैसे डेटा कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष स्पेशल मशीन पर भी ही वो डिपेंड हो। तो डेटा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इफ़िशियंट डेटा एक्सेस, इफ़िशियंट डेटा एक्सेस का मतलब होता है डेटा की जो कार्य कुशलता है वो यहाँ पर बनी रहेगी। देखिए, इफ़िशियंट डेटा एक्सेस, DBMS यूटिलाइज ए वेराइटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रैव डेटा इफिशियंटली, दिस फीचर्स स्पेशली इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डेटा के अंतर्गत जो भी डेटा को हम एक तरह से एक तकनीक का यूज़ करके डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंट बना सकते हैं, यानी कि डेटा को स्टोर करना और डेटा को रिट्रैवल कर सकते हैं, इनको अच्छे इनकी जो कार्य कुशलता का यूज़ करके। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, यानी डेटा को एक जगह रखना और डेटा को सिक्योर करके रखना, ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसके अंदर। रेडिडेंस, रेड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, DBMS के अंदर जो भी ऐप बनते हैं, एप्लीकेशंस बनेंगी, उनको डेवलप करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और ईजी से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकवरी इन DBMS, तो डेटाबेस के अंतर्गत जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं उनको हम रिकवर भी कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं, उनका बैकअप रख सकते हैं, कभी भी बाय मिस्टेक अगर वो डिलीट भी हो जाते हैं तो उनको वापस रिकवर करने की सुविधा भी हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये थे DBMS के कुछ लाभ बेनिफिट। इसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ DBMS। तो जो DBMS की जो वर्तमान में जो अभी इन मॉडर्न टाइम जो ऐप यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐप का यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग के अंदर देखा होगा कि बैंक एक DBMS का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर जितने भी बैंक के पास कस्टमर होते हैं, उसके खुद के एम्प्लॉय होती हैं, उन सब का रिकॉर्ड उस ऐप के अंदर रखा जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि बैंक के अंदर कितने ट्रांजैक्शन होते हैं रोज, कितनों ने पैसे निकलवाए, कितनों ने जमा करवाए, डिपॉजिट है, विथड्रॉल है, ये सारा सिस्टम हम उस ऐप के अंदर रिकॉर्ड, रोज का रिकॉर्ड हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर एयरलाइन, तो एयरलाइन के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो रोज कितनी प्लेन्स हैं वो यहाँ पर लैंड करती हैं, कितने का रिजर्वेशन है और कितनी जो शेड्यूल्स अवेलेबिलिटी, तो कौन सी कब यहाँ से जाएगी, कब आने का टाइम है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसमें सीट अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये सारा जो रिकॉर्ड होता है वो DBMS के थ्रू ही किया जाता है, एयरलाइंस का रिकॉर्ड।
यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बच्चों के रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं, बच्चों की एग्ज़ाम करवानी है, उनकी फ़ीस का रिकॉर्ड है और अदर्स उनकी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम है, रिजल्ट वगैरह तैयार करना है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी DBMS का ही यूज़ करते हैं। सेल्स है, कस्टमर के बारे में पूरी, रोज़ कितने कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रोडक्शन कितना किया है, परचेजिंग कितना किया है, सेल्स है, ये सारा सेल्स के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चैन, ये सारे जो सिस्टम है DBMS के अंदर होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, उसकी सैलरीज है, उसके टैक्स के डिडक्शंस हैं, उनके इंक्रीमेंट हैं, वो सारा रिकॉर्ड हम DBMS में स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ DBMS, देर आर नंबर ऑफ DBMS विच इज करेंटली इन यूज। नेक्स्ट अपने पास एब्स्ट्रैक्शंस लेवल्स, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ DBMS, कि DBMS के जो हम ऐप हैं वो यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से ऐप होते हैं, उनका हम यूज़ करेंगे, जैसे ओरेकल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सेबेस और इंफॉर्मेशन, ये तो कंपनी है और इन कंपनी के ये प्रोडक्ट हैं। ओरेकल का हम यूज़ करेंगे जो अपने सिलेबस में है, 8i, 9i, 10g, ये इनके प्रोडक्ट हैं। IBM के DB2, यूनिवर्सल सर्वर, SQL सर्वर है, अडेप्टिव है, डायनेमिक है, ये इन कंपनियों के ये प्रोडक्ट हैं। तो ये आपको याद करने हैं, एक दो नंबर के बीच में पूछ लेते हैं। इसके बाद में बात करें एब्स्ट्रैक्शन लेवल इन DBMS, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।